अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है पेपर प्रेजेंटेशन पे। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आपने कोई भी टेस्ट वगैरह या कोई भी पेपर एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, या आपका पेपर किस तरह का होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम देख के खुश हो जाए या उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपके एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपके पास एक शीट होती है, या तो आपको आपके दायरे की तरफ से मिलती है या आप खुद से अगर आप लेके जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक जो पूरा पैटर्न ड्रॉ करना है अपनी शीट पे, वो कुछ इस तरह से करना है। एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी उस शीट को लेकर। आपको सबसे पहले साइड्स पे लाइंस ड्रॉ करनी होंगी एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए। तो लाइंस कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। कुछ पेपर्स पे लाइंस पहले से ड्रॉ हुई होती हैं, जैसे कि इस पे ड्रॉ हुई हुई है, और कुछ पेपर्स पे लाइंस नहीं होती। तो अगर जिन पे लाइंस नहीं हैं उन पे तो आप डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे, लेकिन जिस पे लाइंस हैं तो उस पे आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास टाइम है तो आप लाजमी लाइंस ड्रॉ करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक लाइंस ड्रॉ ना करें, लेकिन लाइंस ड्रॉ करने से एक बहुत ही प्यारी लुक आ जाती है पेपर की। ये देखिए, मैंने अब दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। लाइक दिस। इस तरह से आप पेपर पे लाइंस ड्रॉ कर लें। जब आप लाइंस ड्रॉ कर चुके हों तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए आपका एग्जाम कौन सा है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम केमिस्ट्री का, या आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम बायो का या फिज़िक्स का, तो आप उस हिसाब से सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ऊपर केमिस्ट्री हेडिंग दूंगी। तो आपको हेडिंग देने के लिए एक अच्छा मार्कर यूज़ करना पड़ेगा। जो मोस्टली मार्कर होता है हमारे पास वो होता है, हमारे पास 605 आप यूज़ कर सकते हैं। 605 मार्कर यूज़ कर सकते हैं, 506 भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका आगे से जो निब होती है वो कट निब होती है, तो आप उससे ज़रा अच्छी से हेडिंग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना दूँगी, उसकी कट निब वाली सरफेस को यूज़ करते हुए इस तरह से। ये मैंने केमिस्ट्री लिख दिया। अब आप चूंकि सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप हल करते हैं, तो आप नीचे हेडिंग लगाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप, टाइप आगे भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी पेपर की स्पेस के हवाले से भी मैटर करता है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना लें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अगर पेजेस हैं तो आपको उनके अंदर ही अपना एग्ज़ाम पूरा करना होता है। तो ये हमने लिख दिया केमिस्ट्री, और फिर हमने लिख दिया सब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, या अगर आपको पहले लॉन्ग करना है या आपने जिस तरीके से भी सोल्व करना है, तो आप सबसे पहले उसी चीज़ की हेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इस तरह से हेडिंग लगाने के बाद, चूंकि ये आपका पार्ट वन होता है, ये आपका जोन सा भी पार्ट है, आपने उस पार्ट की हेडिंग लगा दी लाइक दिस। अगर ये पार्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो आपने पार्ट वन लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर की हेडिंग लगानी, और फिर आपके पास पहला शॉर्ट आ जाएगा कि आपने पहला शॉर्ट जो भी करना है उसकी जो भी हेडिंग है, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर है मेरे पास, और अगर मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, तो
तो मैं एटमॉस्फेयर की हेडिंग लगाऊंगी, देन मैं नीचे इसके इसकी डेफिनेशन लिख दूंगी, जो भी इसकी डेफिनेशन है मैं यहाँ पे नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दूंगी। और फिर दोबारा से हम, और हर बार पेपर करने का तरीका, अगर आपने शॉर्ट सॉल्व करने हैं तो आपने शॉर्ट के साथ नीचे एग्जाम्पल लाजमी देनी है। एक नंबर आपके पास डेफिनेशन का होता है और एक नंबर आपके पास एग्जाम्पल का होता है। एग्जाम्पल इज़ वेरी 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 कंपल्सरी। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दे देनी है। इस तरह से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं तो आपने उसके हिसाब से हेडिंग लगा देनी है और फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह या जो भी उसके हवाले से आपसे पूछा गया है आपने उसका आंसर लिख देना। अच्छा, ये था कुछ मैंने स्टार्ट बताया था। और इन चीज़ों को भी पहले आप पेपर अच्छे से सोल्व कर लें, पूरा पेपर सोल्व कर लें। ये जो लाइनिंग वगैरह मैं आपको बताने लगी हूँ ये आप पेपर के एंड पे भी कर सकते हैं, एंड पे अगर आपके पास टाइम है। डेफिनेटली एंड पे टाइम कुछ बच जाता है स्टूडेंट्स के पास, तो वो यहाँ पे फिर प्रेजेंटेशन वगैरह का जो भी है काम वो कर सकते हैं इस पर। तो आप इस तरह से अपनी हेडिंग्स और आपने लगाई हैं उनके ऊपर आप इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं पेपर को मज़ीद वैल्यूएबल बनाने के लिए, ताकि एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम चेक करने से पहले जब उसकी पहली नज़र आपके एग्ज़ाम पे पड़े तो उस पर एक अच्छा असर पड़े आपके एग्ज़ाम का, और उसको ये पता चल जाए कि ये पेपर किसी बहुत ही अच्छे और ब्रिलियंट बच्चे ने किया है। इसी तरह से आप अपनी हेडिंग्स के नीचे लाइन्स लाजमी ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, स्टार्ट करनी है। इसी तरह से अगर बायो का है तो बायो की आप स्टार्ट कर देंगे, और सब्जेक्टिव टाइप या फिर अगर नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग होगा आप उस हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताती चलूँ, वो ये हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ पेपर की। विल फर्स, अगर हमारे पास बायो का एग्ज़ाम है, अगर हमारे पास बायो का एग्ज़ाम है तो कुछ इस तरह सोल्व होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर बायो की बायो की हेडिंग, सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग, पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन, और देन आपने यहाँ पे शॉर्ट करने स्टार्ट कर देने हैं। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप शॉर्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक आध हेडिंग अगर बना लेते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाता है। मीन्स अगर आपके पास एक छोटा सा आंसर है बेशक, तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई हेडिंग लाजमी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दी एक हेडिंग है सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये आपने खुद से करनी है, और ये चीज़ें आपको एकदम से पेपर वाले दिन नहीं आएंगी। आप अगर टेस्ट वगैरह अपना प्रिपेयर करते हैं और अपना टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करते हैं अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो आपको वहीं पर ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन की भी और ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से है, मैंने इसकी हेडिंग बनाई है, फिर मैंने इसकी दोबारा से एक हेडिंग बना ली है उसी के अंदर। और फिर जिस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास शॉर्ट्स में डिफरेंस भी बहुत आते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो डिफरेंस करने का ये तरीका है कि साइड पर लाइन्स तो लगी होंगी, एक लाइन सेंटर में भी आपने लगा लेनी है, और फिर आपने नंबरिंग देते हुए जितना भी आपका लंबा एक डिफरेंस बनता है आपने बना लेना है विद एग्जाम्पल्स, और इसी तरह से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। जैसे पार्ट 2 है लॉन्ग का, तो फर्दर एक एग्जाम्पल आप मज़ीद इस तरह से शॉर्ट जितने भी आपके पास होंगे आप सारे इसी तरीके से करें। और ये अगर लॉन्ग है हमारे पास तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमारे पास पैराटोनिक अगर मूवमेंट्स एक लॉन्ग पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे आपने उसके अंदर जो जो भी आपको सूटेबल हेडिंग्स लगती हैं कि आपको बनानी चाहिए वो आप सब बनाएंगे लाइक दिस। मैंने इस टॉपिक में जितनी भी मुझे एक सूटेबल हेडिंग्स लगनी थी वो सब मैंने लिखी हैं, और एंड पे एग्जांपल्स भी उनकी दी हैं। तो ये लॉन्ग जितना भी लंबा होगा आपका टॉपिक के हिसाब से उतना लंबा आपने ये लिखना है। यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्जामिनर्स के पास इनफ टाइम नहीं होता कि वो आपका हर वर्ड पेपर वर्ड बाय वर्ड चेक करें, आपका हर वर्ड या उसका हर स्पेलिंग देखें।
तो एग्जामिनर्स के पास होंगे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स एक ही साथ उनके पास आए होते हैं, उन्होंने चेक करने होते हैं एक लिमिटेड टाइम में, तो वो जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने एक ट्रिक ये चलाना है कि आपने एग्जामिनर का ज़्यादा टाइम भी ना लगे और उसको पेपर चेक करने में आसानी हो, आसानी आप लोगों ने पैदा करनी है वो इस तरह से कि अगर आपको एक शॉर्ट आया है डैट इज़ हाइड्रोफाइट्स अगर आया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक तो हेडिंग्स बना दी एग्जामिनर की, सबसे पहले नज़र हेडिंग पे पड़ेगी, उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने अगर ये शॉर्ट लिखा है तो उसमें ये हेडिंग्स बनाई हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को पता है कि इस शॉर्ट में ये दोनों चीज़ें हैं, तो उसने उसको प्रोमिनेंट लिख दिया है। दूसरा आप ये करें, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो बहुत ही की वर्ड्स हैं एक शॉर्ट में, हर शॉर्ट में 2 मार्क्स का जो शॉर्ट होता है उसके अंदर की वर्ड्स लाजमी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, सिर्फ उन वर्ड्स को आप मार्कर से लिख लें या फिर आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दें, थोड़ा सा आप उनको प्रोमिनेंट कर दें ताकि एग्जामिनर की नज़र उन प्रोमिनेंट वर्ड्स पे, उन बोल्ड वर्ड्स पे पहले पड़े और उसको पूरा शॉर्ट ना पढ़ना पड़े और वो जस्ट टिक लगाए और आपको मार्क्स दे दे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि मीजोफाइट जो हैं आर प्लांट्स हैविंग मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि इनके पास जो पानी की मिकदार होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि इनके पास दरमियाना होता है, ना ज़्यादा पानी ना कम पानी, तो मैंने मॉडरेट को हाईलाइट करके लिख दिया। इसी तरह अगर बिहेवियर ऑफ स्टोमेटा का जिक्र करें तो इसमें मैंने सफिशेंट वाटर स्टोमेटा ओपन, इन तमाम वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करके लिख दिया, एग्जामिनर को पूरा शॉर्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा और जस्ट इन वर्ड्स को पढ़ेगा और वो टिक लगा देगा। देन इसी तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा और हर शॉर्ट में आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इसी तरह से लॉन्ग में मैंने आपको बताया था कि आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल ये है आपके लिए कि जैसे ही एक्सटर्नल कॉजेज एक वर्ड दो वर्ड्स हैं इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ट्रोपोज मीनिंग टर्न, ट्रॉपिक मोमेंट्स है तो ट्रोपोस का मतलब चूंकि टर्न है और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टर्न है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चों को इसका मतलब आता है। और फिर जो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म है ये पता है कि मूवमेंट होती है लाइट की वजह से, तो मैंने इन 3 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, मूवमेंट रिस्पॉन्स लाइट, पता चल जाए एग्जामिनर को बच्चों को इसका मतलब आता है। इसी तरह बाकी तमाम को भी मैंने ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से अगर आप साइंस का पेपर कोई भी अटैम्प्ट करते हैं अपना, आपके पास फिजिक्स है बायो है साइंस केमिस्ट्री है, तो आप अगर इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं पेपर, तो आपका पेपर लाजमी लाजमी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी तो सब स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन जो फ़र्क आता है मार्क्स का वो प्रेजेंटेशन में आता है कुछ। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल थी हमारे पास बायो की। इसी तरह इंग्लिश की अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इंग्लिश में भी बिल्कुल इसी तरह आपने हेडिंग लगानी है, साइड लाइन्स लगानी है, सब्जेक्टिव टाइप लिखना है, सेक्शन 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, और इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग लगा के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं लाइक दिस। पर नेक्स्ट सेक्शन है और फिर आपने ट्रांसलेशन वगैरह लिख देनी है, और राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप जॉइंट में लिखें लेकिन आपकी राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, बेशक आप जॉइंट में नहीं लिखते। और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आप अगर आए समरी की हेडिंग लगाएं, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग लगाएं और फिर आप नीचे समरी लिख दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है अगर हमारे पास ऐसे का, और उसके आगे आप इस तरह लिखें और नीचे ऐसे अटेम्प्ट करें, ऐसे में कोटेशंस आप मार्कर से लिखें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप मार्कर यूज़ लाजमी करना है अपने एग्जाम में, तो इन चीज़ों से आपका पेपर बहुत 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 अच्छे से अटैम्प्ट हो जाता है। एक और चीज़ जो वो के इंतहाई लाजमी है बच्चों को बतानी वो ये कि आपको ज़रूरी नहीं कि लाइन वाइज जो क्वेश्चन आए होते हैं आप लाइन वाइज उनको सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो उनसे ज़्यादा अच्छे आते हों आप उनको पहले सॉल्व करना चाहते हों तो आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें, लेकिन आप 5th वाला क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5th लिखें, 5th का आंसर लिखें, फिर आपने उसके बाद 2 वाला करना है फिर आप 2 लिखें और 2 का आंसर लिखें, फिर अगर आपने 4 वाला करना है तो आप 4 लिखें और आंसर लिखें। मतलब ये है कहने का कि आपने जो सा क्वेश्चन पहले सोल्व करना है आपने एग्जैक्टली उसी का नंबर देना है, आपने तरतीब से नंबर नहीं देना। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, और इस तरह से आप इंग्लिश बायो केमिस्ट्री जो सा मर्जी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं।
जरूरी नहीं आप मार्कर को बिल्कुल ऐसे यूज करें जैसे मैंने किया हुआ है, मार्कर को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बस आपका पेपर नीट होना चाहिए, आपके पेपर में लाइंस लगी होनी चाहिए और ज़्यादा वेस्ट आपने टाइम नहीं करना लाइंस वगैरह लगाने में, आपको ये सब पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम वाले दिन इन चीज़ों पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं और जल्दी जल्दी आप अपना एग्जाम भी सोल्व करें। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स भी नहीं लगानी कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने ज़्यादा पेपर हेडिंग्स में लिख दिया और वो लिखना नहीं चाह रहा था तो उसने ज़्यादा पेपर हेडिंग्स में लगा दिया, जस्ट इसलिए कि उसको लिखना ना इतना पड़े, तो आपने ये काम भी नहीं करना। तो ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपसे डिस्कस की पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी उर्दू की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उस हवाले से। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स वगैरह से, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको फ़ौरन से आपको अपडेट मिल जाए और आप उसको वो भी देखें। एग्जाम्स होंगे सब स्टूडेंट्स के करीब हैं तो ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना था प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने आपको बताया। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।